करनाल के दयालपुरा गेट स्थित पंचायत रोडान व कंबोज धर्मशाला के कार्यालय में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि धर्मशाला के कार्यालय में अज्ञात चोरों द्वारा खिड़की के ग्रिल काटकर चोरी की वारदात की गई है। चोर अपने साथ नकदी व सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर चुरा कर ले गए हैं, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई है। रामधन कांबोज ने कहा कि यहां पहले भी इस तरह की वारदात के प्रयास हो चुके हैं, परंतु पंचायत के सदस्यों की मुस्तैदी से चोर अपने इरादों में कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस बार चोरों द्वारा खिड़की की ग्रिल काटकर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। धर्मशाला के प्रधान रामधन कांबोज ने बताया कि चोरों द्वारा धर्मशाला के कार्यालय में रखी अलमारी व मेज की दराज खोली गई। चोर कुछ कीमती सामान लेकर फरार हो गए हैं। इस वारदात से आसपास के दुकानदारों में डर का माहौल व्याप्त है। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मौके का मुआयना किया एवं फिंगरप्रिंट लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रतिदिन बढ़ रही वारदातों को लेकर दुकानदार अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। कल और आज की जो बीच की रात है उसमें चोर खिड़की से अंदर आए और अंदर आकर के उन्होंने अलमारी अपने वो तोड़ी और साथ में जो सीसी कैमरे की डिश वगैरह थी बाहर दरी सेट बॉक्स वो सब अपने लेकर के चले गए। बाकी अलमारी में से जो ज़्यादातर कैश थे उसमें था नहीं, सिर्फ कुछ पैसे रजगारी रजगुरी सी बचे 1200 रुपये की अपने वो थी। तो बाकी कागजों का भी पता नहीं करेंगे, देखेंगे इसमें कि कितना जो उसमें कागजों कागजों का वो गिरा, खुर्द पुर्द अपना सारा ये कर ही रखा, तो कैशियर से पता लगेगा कि उसने कितना कैश इसमें रखा हुआ था। तो जो कैशियर अभी आए नहीं क्योंकि वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो पता लगेगा उसके आने के बाद में। पुलिस आई थी, उन्होंने मौका भी देखा और ये जो वो है फिंगरप्रिंट वाले वो भी आए थे, ये काला काला सा निशान उन्हें गई और उन्होंने क्या कुछ वो करेंगे वो बात की बात है। बाकी हमने एफ आई आर लॉन्च करा दी इसकी। तो डीवीआर भी लेके सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। हाँ, सीसी कैमरे का वो सारा कुछ ही लेके सेट था, तो जिसमें पता नहीं लगता अभी कौन है कोई। तो आपको कब पता चला यहाँ? ये सुबह जो स्वीपर है ना हमारी पंचायत का, कोई चीज पर आया झाड़ू देने के लिए, तो उसने ये खिड़की टूटी हुई देखी, तो उसने फिर मेरे को कहा, मैं फिर वहां से घर से चाबियां लेकर के दफ्तर की आया तो देखा अंदर जी अलमारी सारी टूटी हुई पड़ी थी। पुलिस आ गई थी टाइम पे? हाँ, पुलिस आई 1 घंटे के बाद। तो खिड़की में से घुसे थे? खिड़की से मुझे घुसे वो और खिड़की से घुस करके अंदर, क्योंकि मुझे इसमें काफी सामान ऊपर वो LED भी लगी हुई है, ये AC भी लगे हुए हैं, लेकिन क्योंकि इस खिड़की में उसको लिखड़ नहीं सके थे, दरवाजों का हमने इंतजाम पूरा कर रखा था, 3-3 ताले इनको लगते हैं, क्योंकि पहले भी कोशिश करी इनको तोड़ने की लेकिन पहले ये टूटे नहीं। उसके बाद वो दफ्तर के जो बाथरूम है इसकी टूटियाँ उतार करके जरूर ले गए थे मैं, मेरे को 1.5 साल पहले। तो उस वक्त फिर ये सीसी कैमरे लगवाने के बाद में अब ये दूसरी वारदात है, इससे पहले भी इन्होंने कोशिश करी लेकिन ये दरवाजे से तो जानकर आ नहीं सके। अब इन्होंने ये खिड़की का सहारा लिया और खिड़की में से ये किस तरह थोड़ी उसने आरी से काट करके फिर ये अंदर एंट्री करी और उसमें ये अपना ठीक है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.